अंकल, ये आपको पैर में अल्सर कितने दिनों से है और इसके लिए आप अभी तक क्या क्या इलाज करा चुके हैं? सर लगभग साल भर तो अल्सर हो गया। उससे पहले पैर में कमर में दर्द होता था चलने में, तो 100 मीटर 50 मीटर चलने से इस कमर में आपे चांगा में दर्द भर जाता था, तो उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर घाव हो गया, उठे ही नहीं हो रहा, दिक्कत होती रही जी। और सर उसके बाद बना था। हाँ, कितना दिन हो गया, मतलब कितना गैप रहेगा कि पहले ये दिक्कत परेशानी आती नहीं, और कितना साल तक ये परेशानी रही उस? 7-8 महीने तक करीब था सर, उतना ध्यान नहीं दे रहे थे कोई चीज़ का होगा ऐसे। फिर छोटा सा यहाँ पे छीला टाइप का ऐसे निकल गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, एकदम छोटा सा, इतना छोटा सा ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे लोकल इलाज कराया हो रहा है, ठीक हुआ। फिर सर्जन वर्जन के बाद गए, उनसे भी ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर वो डॉपलर टेस्ट वगैरह कराए तो पता चला कि नस कहीं से ब्लॉक है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है करके। तो गए फिर डॉक्टर के पास गए तो 2-3 महीना दवाई खाने के लिए बोला, ब्लड पतला करने का, तो उससे फर्क नहीं पड़ा। फिर बहुत ज़्यादा ही दर्द बढ़ गया, घाव भी बढ़ने लगा, बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। फिर मेरा लड़का आपको सर्च किया यूट्यूब, मैं स्वयं से सर्च किया सर, फिर बाद में नेट वगैरह में सोशल मीडिया वगैरह में सर्च किया तो सर है सर्जन रायपुर में अवेलेबल है ऐसा करके, फिर आपका अपॉइंटमेंट लेके फिर आपसे कंसल्ट किए। दर्द कितना रहता था, मतलब रात में नींद आ जाती थी? नहीं सर, बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं पैर सीधा नहीं कर पा रहा था, पैर ऐसे सीधा करके सो नहीं सकता था, और मैं करीब 5-6 महीने से सोफा में ही सो रहा, बैठे बैठे ही सोए सर। पैर को नीचे ऐसे लटका के जैसे कुर्सी है ऐसी में टेक टेक के ही लगभग ये 6 महीने तक ऐसी बिस्तर में सोए नहीं, मतलब बेड पैर सीधा कर ही नहीं पाता था, 1 मिनट भी पैर सीधा नहीं कर पाता था, पूरे डर रहता था। फिर भी नहीं, थोड़ा बहुत कुछ कम हो जाता, कम हो जाता था कुछ दवाई वगैरह अभी अभी, मतलब मान के चलिए अभी तो ऐसा हो गया था कि कितना भी दर्द इंजेक्शन वगैरह लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन जो सर्जरी के एक दिन पहले भी जो दर्द था सर, तो वो लोग ये पेन किलर्स वगैरह, राजधानी हॉस्पिटल में बैठे बैठे गुजारा हूँ, हॉस्पिटल में हॉस्टल जी आया थे सर, पूरा आराम दौर बैठा टेबल में ऐसे बैठ के और बिस्तर में ऐसे टिके, बहुत हेल्प कर रहे थे लेकिन फिर भी दर्द वगैरह कुछ कम ही, नोट हो गए इंजेक्शन लगा दिए दर्द का, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर पूछ रहे थे लगाऊं क्या, तो मैं बोला कितना इंजेक्शन लगाई, कल ऑपरेशन नहीं होना है, तो रात भर ऐसी कोई आ रही नींद नहीं आया पूरा। फिर जैसे आप ऑपरेट किए, ऑपरेशन हुआ सर इसमें जो लगा आप यहाँ पे, हम लोग बोले कि हाँ ठीक हो गया, फ्लो चालू हो गया, इसने में पूरा 90% दर्द खत्म हो गया। फिर आप बोले कैसे लग रहा है काका, तो मैं बोला ठीक है सर, दर्द कम हो गया। तो हमने पहले सीटी एंजियोग्राफी कराया था, सीटी एंजियोग्राफी में पाया कि जो पेट से जो बड़ी नसें निकल रही है, दो मेन नसें निकलती जो दोनों पैर में जाती है जी सर, और मेन नस और वो बड़ी नसें दोनों ब्लॉक है, और जिस साइड में अल्सर बना है उस साइड में भी काफ़ी लंबा सेगमेंट ब्लॉक जी। तो इनका ऑपरेशन प्लान किया गया 2 स्टेज में, क्योंकि 1 स्टेज में काफ़ी बड़ा ऑपरेशन, स्टेज में नहीं हो पाता नहीं। तो पहले स्टेज में जो पेट से जो नसें निकलती है, जो ब्लड लेके जा रही है, उसको हमने खोला जो दोनों साइड पर ब्लॉक थी, हालांकि अल्सर एक साइड में, एक ही साइड में था, ब्लॉक थी समझे। तो पहले स्टेज में जो नस खोली गई है और उसमें स्टेंट डाला गया है, पहले अपने बदल से रास्ता बनाते उसके बाद स्टेंट डालते हैं। तो पर्टिकुलरली ऑपरेशन होने के बाद दूसरे दिन आपको एग्जैक्टली कैसे लग रहा था, दर्द में कितना राहत था? और दूसरे दिन नहीं सर, पहले ही दिन मेरे को मान के चले 90% दर्द पूरा कर, सूजन तो जलन वगैरह पहले से। पहले सर ऑपरेशन के पहले इनका पैर बहुत सूजा हुआ था, पूरा एकदम टाइट था, स्किन यहाँ पे एकदम टाइट था सर, आप छूते तो आपका उंगली भी नहीं दबेगा इसमें जी सर। तो वो जो था वो ऑपरेशन के बाद ही जब हम लोग देखे तो इनका जो सूजन था जी जी, उनका जो जो सूजन था वो पूरा कम हो गया था, प्लस इनको हमने पूछा कि दर्द वगैरह कैसा है करके, तो बताया कि दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं है, दर्द में वो आएंगे थे 90% रात पूरा जिम किया गया था, मतलब उस रात में
बहुत तसन्नी से सोया था इस ट्रेन से। हाँ जी सर, नींद को मतलब उतने दिन में कई साल को नहीं, इन 6 महीने में। हाँ 6 महीने तक बहुत परेशान, उससे पहले तो सो भी लेता था ऐसे ऐसे तीसरा उछा करके। 6 महीने में सिर्फ सोफा में ही लट के ऐसे लेट के फायर नीचे लटका के ही सोफा। तो देखिए ये अल्सर जो होता है, जो इस्केमिक अल्सर होता है, वो काफ़ी सीवियर पे पैदा करता है, फिर आपने सो नहीं पाता तो भी सेंटर ज़्यादा रहता है। और ये दर जाने का या ठीक करने का एक ही फंडा होता है, इस एरिया में ब्लड नहीं जा रहा है, उस एरिया में जब तक ब्लड नहीं जाएगा, ये इस्केमिक पेन है, वो दर्द बिना किसी इंजेक्शन या टैबलेट उससे नहीं जा सकता है। इसका सोल्यूशन एक ही रहता है, जो ब्लॉकेज है उसको खोलो ताकि ब्लड जाए जी। अभी अब बिना किसी दवाई या किसी इससे वो दर्द ठीक हो जाए रिकवर जी। साथ साथ जब अल्सर बनता रहे उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, उससे पैर में सूजन आ रहा जी, या खाव में और क्या बोलते हैं जिसमें पस निकल नापस, ये सब चीज़ें रहती हैं जी। तो ये ड्रेसिंग कितना भी करा फायदा नहीं होता है सर, आपने भी बहुत बार जी बहुत ही कराया सॉफ्ट ड्रेसिंग वगैरह, बहुत बार डिपार्टमेंट भी करा लिया, और फायदेमंद नहीं होता जी कोई बढ़ते हैं। ब्लड जाएगा जी, ब्लड जाएगा तब उसमें न्यूट्रिएंट्स जाएगा, एंटीबायोटिक्स जो दे रहे हैं वो पहुँचेगा और तभी इलिंग स्टार्ट होगा जी सर। और अभी आफ्टर जो ये सर्जरी हुआ है सर, उसमें उसके बाद जो अल्सर है उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और काफ़ी हद तक जो पहले गहरा हो गया था वो थोड़ा उभर रहा है सर। लगभग 10 दिन हो गए इनका ऑपरेशन होके, पहला स्टेज और सेकंड स्टेज हमने पूरे 3 दिन बाद किया था उसके जी। तो अल्सर में भी काफ़ी सुधार है, जो एकदम पी था एकदम जे कलर का हो गया था, येलो में इसका दिख रहा था, उसमें रेड बिल्कुल नहीं था पहले, उसके पहले रेड कलर बिल्कुल दिखता ही नहीं था सर, येलो एंड ब्लैक टाइप का दिखता था, दाना दाना भी पूरा बाहर आ गया था। अभी तो वो जैसे ही हुआ सर, अभी 2-3 बार जैसे रेगुलर ड्रेसिंग करवाते हैं तो हर बार एक नया थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखता है, इसमें ऊपर उभर रहा है दाना टाइप का लाल, और पूरा रेड हो गया कलर जो उसका था, साफ कर रहे हैं एक बार, जस्ट साफ करने के बाद पूरा रेड कलर दिखता है। तो अभी जो लगता है सर कि ब्लड वगैरह उसमें दिख रहा है सर, इसको बोलते हैं ना हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू बोलते हैं जी सर। जब हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है जिसमें इन्फेक्शन नहीं है, ब्लड बढ़िया जा रहा है, तभी हीलिंग स्टार्ट होता है जी सर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसमें भर जाए, अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, लेकिन स्किन ग्राफ्ट तभी कर पाते हैं जब ग्रैनुलेशन टिश्यू नीचे का हेल्दी हो, वो ग्राफ्ट सर्वाइव कर सकें जी सर। इसलिए हम और कुछ दिन अभी जैसे आज को लेजर ड्रेसिंग किया, नहीं इसके बाद 2-3 दिन बाद बैक ड्रेसिंग करने का प्लान, नहीं वो बैक ड्रेसिंग के बाद देखते हैं कि कितना अच्छा बन जाता है, नहीं और उसके बाद भी अगर नहीं बन रहा है क्योंकि घाव काफ़ी बड़ा है, नहीं बहुत बड़ा डिप्रेडमेंट काफ़ी वो जो जरिए भी नहीं, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके बाद ना स्किन और फ्लैप लगा के जी उसको कवर कर देंगे तो फिर वो कम्प्लीट भी हो जाए जी सर। अभी पहले के मात्रा में अभी दर्द कितना बचा है अल्सर वाला छोड़ के? नहीं नहीं इसमें तो नहीं है, चलने तो नहीं है इसको, चलने फिरने में या अदर पार्ट हो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जो अल्सर बस है उसको भी यदि अपन छुए या हाथ से टच होता है तभी दर्द होता है, चलने फिरने में थोड़ा दर्द होता है चलने फिरने में, कोई एरिया में पड़ता है, बाकी और जो ये पैर में नहीं दर्द होता था, चलने में कमर में दर्द होता था वो नहीं है। जो हमने दोनों साइड का किया था जी वो जी सर वो चले गया, इसमें भी लेफ्ट पैर में भी दर्द होता था चलने में जहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो अभी तो नहीं है, वो थोड़ा दूर ही चलने में दर्द होना चालू हो जाता शायद। अभी उसमें भी रिलीफ है सर, जो मतलब पहले जो जितने भी पीछे वाले पार्ट्स में भी इनके होते थे ये तो यहाँ से कमर वगैरह दर्द जी नहीं हुआ, तो उनमें काफ़ी रिलीफ है सर। एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लोगों को ये प्रक्रिया पता नहीं थी, बहुत लोगों को पता है कि हार्ट ब्लॉक हो जाता है नहीं सर, तो उसका एंजियोप्लास्टी कराएंगे, स्टेटिन कराएंगे, हार्ट अटैक आ गया तो वो ठीक हो जाता है नहीं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के मतलब एक्सेप्टर्स नहीं है बोल सकते या समझदारी नहीं है नहीं। कि पैर में भी ऐसा हो सकता है, पैर में भी ब्लड जाता ही जी सर, पैर की नस ब्लॉक होने से भी अल्सर बन सकता है, गैंग्रीन बन सकता है नहीं सर। आपने कैसे भरोसा किया, हमने बता दिया कि हाँ इस पर ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगा तो वो अल्सर मरने लगेगा? सर मैं थोड़ा सा क्या है सर, मैं कोई भी जैसे एक मामूली प्रोडक्ट भी लेता हूँ तो उसमें क्या है लोगों की रिव्यू देखता हूँ कि जिन लोगों ने यूज़ किया वो कैसे रहता करके, तो सबसे पहले सर मैंने सोशल मीडिया गूगल मैप वगैरह में आपके देखे रिव्यू वगैरह, तो उनमें सब पेशेंट ने पूरा पेज में लिखा हुआ है कि वो कितने दिनों से उनका क्या प्रॉब्लम था और कैसे ठीक हुए हैं, क्या है कैसे उनको पढ़ा,
और उनके रिगार्डिंग YouTube में भी सर्च किया, तो YouTube में भी मैंने आपके वीडियो वगैरह देखे जो इससे रिलेटेड थे पहले, और उसके बेस में तो मेरे को लगा कि सर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए, हम लोग क्या है गलत, मतलब अलग अलग जगह इलाज करा रहे हैं, तो उसके वजह से थोड़ा प्रोसेस जो है लंबा चल रहा है। फिर मैंने आपसे कंसल्ट किया सर आके, फिर आपने जो है एंजियोग्राफी टेस्ट कराने का सुझाव दिया, और उसके बाद फिर आपने बताया कि नस यहाँ पे ब्लॉकेज है, इनमें हमें सर्जरी करने की आवश्यकता है और बहुत जल्द ही करने की आवश्यकता है क्योंकि इनका जो स्टेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, प्लस और इनको भी फिजिकली इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गया था सर, कि डिप्रेशन ज़्यादा लग रहा था, बहुत डिप्रेशन है सर, घर में भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी इनको रहता था, अभी सही है सर, और प्लस डाइट भी इनका बहुत कम हो गया था, खाने वाने की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता था, तो अभी खाना वगैरह भी सही से ले रहे हैं, थोड़ा आराम करते हैं, नींद भी अच्छा आ रहा है, खाना वगैरह भी सही है। हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी गए थे तो बोले कि बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, फिर आपसे मिले तो दोनों का तुलना किया तो हमको आपका सुझाव ज़्यादा बेहतर लगा बाईपास। किसी ने आपको बताया था, किसी सर्जन के पास गए थे कि असर भरेगा नहीं तो पैर काटना पड़ेगा ऐसा? नहीं, पैर काटना वो तो नहीं बता रहा, लेकिन बोला था जब तक ब्लड यहाँ नहीं आएगा तब तक तो यार लंबा, बहुत लंबा प्रोसेस बताया था सर कि आप एक साल चले, छः महीने चले, दो साल, डेढ़ साल, तीन साल तक भी चल सकता है, आपका जो इलाज है बहुत दिनों तक चल। बोला था कि ब्लड जैसे नहीं आएगा तो गैंग्रीन, क्या गैंग्रीन बोलते हैं ना, काला काला पड़ जाता है, तो हो सकता है फिर पैर भी काटना पड़ सकता है, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन जल्दी इलाज के लिए बोल रहे थे सर कि बहुत लंबा इनका इलाज जो है चल सकता है, और इनके तकलीफ को देख के सर मन में ही वो नहीं एज्यूम कर सकते कि इतना दिन तक कहाँ इलाज कराएंगे ऐसा करके सर। फिर स्वयं से मैंने सर्च किया कि वो मिल सकता है क्या डॉक्टर साहब ऐसा करके, तो फिर आपका सर्च किया, बाद में आपसे सजेशन किया सर। किसी को ऐसी समस्या है तो कैसे अरीब पता करें, क्योंकि आप भी बहुत बढ़िया मैंने जब और इसमें कितनी तकलीफ होती है वो पेशेंट और उसके फैमिली के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ पाता है सर। सबसे पहले तो सर क्या है कि लोगों के पास आज के डेट में सभी के पास मोबाइल है सर, और जैसे कई लोगों को पढ़े लिखे नहीं है कुछ भी है, तो उनमें भी टेक्नोलॉजी सुविधा देता है। कि मैंने अभी वैसे सर्च किया सर कि जो भी ये इस नस के अल्सर के जो सर्जन है मेरे आसपास ऐसा करके, तो उसके थ्रू मेरे को नेट में बताते गए कि ये सर्जन है करके। फिर मैंने सर को सर्च किया, और उसके आपका जो यूट्यूब में भी वीडियो है सर, यूट्यूब चैनल वगैरह में काफ़ी, उससे मेरे को बहुत मदद मिला सर, क्योंकि वीडियो में या एनिमेटेड वीडियो भी बनाए हैं आपने, उनके थ्रू मेरे को बहुत सारा नॉलेज हुआ कि सर एग्जैक्टली यही चीज़ की बात कर रहे हैं या इनसे रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो सर को इनके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब पता होगा सर, इनके एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो फिर मैं फिर उसके थ्रू आपका एड्रेस वगैरह निकाला सर, उसमें आपका अपॉइंटमेंट लिया और फिर आपसे कंसल्ट किया। तो लोगों को मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आसपास है उनको पहले देखना चाहिए, क्योंकि लोग सर ऐसे कामों में सर सभी गांव में यही सलाह देंगे कि आप नागपुर चले जाइए या आप मुंबई चले जाइए या आप बड़े शहरों का सलाह देते हैं सर, क्योंकि आप पेशेंट को आप उतना दूर लेके जाएंगे तो ज़्यादा तकलीफ होता है, तो उनको पहले इस तरह से सर्च करना चाहिए अपने मोबाइल में। अनपढ़ आदमी भी कर सकते हैं इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। जी सर, और जिसको ऐसा तकलीफ है उसको इलाज कराना ही पड़ेगा आप जैसे डॉक्टर लोग से, और चाहे वो दवाई के थ्रू हो चाहे ऑपरेशन के थ्रू हो, उसके बिना कोई नहीं हो तो सर डॉक्टर साहब बताएंगे देखने के बाद। जी लेकिन एक बार सर को चाहे दवाई के थ्रू हो आप लोग बताएंगे चाहे ऑपरेशन के थ्रू हो, लेकिन कराना ही पड़ेगा। और मैं तो सर हृदय से आपका तकलीफ हो जाता, मैं तो सर बहुत बड़ा आभारी हूँ आपका ना। उस दिन मैं मतलब मेरे फादर से मिला जिस दिन ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरे फादर से मिला और पहली बार जो उनके चेहरे में जो सुकून देखा कि भाई दर्द के कारण जो उनके चेहरे में एक रहता था सिकन वो हटा और उनके चेहरे में जो सुकून दिखा, तो मेरे को बहुत खुशी हो पहली बार में कि चलिए इतने दिन के बाद मैं मेरे पिताजी को थोड़ा राहत महसूस करते हुए देखा हूँ। फिर बाद में मैंने आईसीयू में भी उनसे मुलाकात किया, उनका हाल चाल जाना,
तो बहुत खुशी हुआ कि पहली बार हम लोग मतलब इतने दिन भटकने के बाद पहली बार सही से रात आए हैं, और जो भी हुआ बहुत सही हुआ ऐसे करके।